श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा कर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास ट्वेल्थ को पढ़ाऊंगा। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है आपका, इंग्लिश में है फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच में होता है अलंकार। मैं डेली लिखता हूँ आपको समझने के लिए। दो बता दिया हूँ, आज आपको तीसरा बताऊँगा। तीसरा है, क्या नाम उसका है, पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन अर्थात कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, मानवीय करण। मानवीकरण अलंकार। इसमें बच्चों जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें जो मान लेते हैं कोई चीज़, इसकी डिफिनेशन है, इन द पर्सनिफिकेशन लाइफलेस लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आइडियाज आर थाटफुली आर एज पर्सन हैविंग लाइफ। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं, इस अलंकार में जो है हिंदी में है, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर, ये भाव को सजीव मान करके व्यक्त के रूप में वर्णन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल मीन्स होता है बेटा उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण क्या है? अपॉर्चुनिटी नंबर एक है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, बट वंस एक बार। इसका हिंदी हो जाएगा, अवसर केवल एक बार दरवाजा को खटखटाता है। अवसर केवल एक बार दरवाजा को खटखटाता है। इस उपयुक्त वाक्य में अपॉर्चुनिटी जो है अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अदृश्य वस्तु है। क्या है? अदृश्य वस्तु जो खटखटाने कार्य कर रही है। खटखटाने कार्य जब कोई की मनुष्य करता है, इसमें अदृश्य मनुष्य जो खटखटाने कार्य करता है, जबकि खटखटाने का कार्य जो है कोई मनुष्य करता है। जैसे अदर एग्जाम्पल लीजिए, अदर एग्जाम्पल है बच्चा नंबर वन, लव इज ब्लाइंड। प्यार जो है अंधा होता है, प्यार जो है अंधा होता है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दिया, इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? मानवीकरण अलंकार। क्या मान लेते हैं? मानवीकरण अलंकार। दूसरा है डेथ लेज, डेथ लेज हिज आईसी हैंड, हिज आईसी हैंड, आईसी हैंड
आन किंग। मृत्यु जो है राजा के हाथ में रहती है, लेकिन यदि ये अदृश्य है, क्या है? अदृश्य है। दूसरा है लेट नॉट एम्बिशन, नॉट एम्बिशन, नॉट एम्बिशन मॉक्स, मॉक्स दे आर यूजफुल टॉय। इसका हिंदी में है बच्चों अर्थ है लिट नॉट एम्बिशन मॉक देयर इज फुल ट्वाइल। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को जो है किसी के कार्य पर हंसना नहीं चाहिए, किसी कार्य पर हंसना नहीं चाहिए। तीसरा है चौथा है एंजाइटी, एंजाइटी एंजाइटी इज सीटिंग, इज सीटिंग हर फेस। चिंता ही मनुष्य के दुख का कारण होता है, चिंता ही मनुष्य के दुख का कारण होती है। और एक तो है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस 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 साउंड एक्सपीरी एक्स आर आई ई आर एक्सपीरियंस 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 इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर होता है। अनुभव ही वाला व्यक्ति जो है सबसे अच्छा जो है टीचर माना जाता है। अनुभव कहाँ है आप हमको पता नहीं है, लेकिन लोग मान लेते हैं कि इसके पास अनुभव है, अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक बार और इसी को बता देते हैं, बस मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। आज क्लास ट्वेल्थ का है, इंग्लिश है सब्जेक्ट। आप बच्चों जो भी ये आता है ये ग्रामर क्षेत्र में नहीं आएगा, आपके बुक में आएगा, पूछता है कि किस अलंकार का वाक्य है, दे देगा, या तो उसका डिफिनेशन पूछेगा या तो कोई वाक्य देगा रटने के लिए। तो जो है कि अब जैसे परसोनी परसोनीफिकेशन मीन्स क्या होता है, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार होता है बच्चों। जैसे एग्जांपल लीजिए अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी माने भाग्य, नाक्स खटखटाता है, नाक्स खटखटाता है एट द डोर दरवाजे को, बट वंस एक बार, अवसर जो मनुष्य के जिंदगी में एक बार अवश्य आता है। इसी के अनुसार जो दूसरे एग्जांपल है, अदर एग्जांपल है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। दूसरा है डेथ लेस हिज आईसी हैंड ऑन द किंग। तीसरा है लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर इज फुल टॉयल, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को जो है गरीबों के बातों को देखकर हंसना नहीं चाहिए। एंजाइटी चिंता, एंजाइटी चिंता इज द सीटिंग हर फेस, चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है।